टाइगर वर्सेस ब्लैक पैंथर। दोस्तों टाइगर और ब्लैक पैंथर दोनों ही कैट फैमिली के टॉप शिकारियों में से एक है, जहां एक तरफ देखने में खुखार लगने वाला ब्लैक पैंथर अपने एक ही वार से दुश्मन का सर मिनटों में धड़ से अलग कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूद है जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी टाइगर। जी हाँ, वही टाइगर जो अपनी बेहतरीन हंटिंग स्किल के बदौलत किसी भी शिकार को चारों खाने चित करने का दमखम रखता है। लेकिन क्या हो अगर ब्लैक पैंथर और टाइगर का आमना सामना जंगल के किसी सिरफिरे मोड़ पर हो जाए और वो नजारा एक जंग में बदल जाए? जरा सोच कर देखिए, वो नजारा कितना दिल दहला देने वाला होगा। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ऐसा कभी हुआ तो कौन पड़ेगा किस पर भारी? क्या टाइगर के सर पर सजेगा जीत का ताज, या फिर होगी उसकी इज्जत की मटिया पलित? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं टाइगर की। तो बिल्लियों के खानदान से ताल्लुक रखने वाला वर्ल्ड का ये विश्व प्रसिद्ध शिकारी हर जगह अपनी ताकत का लोहा मनवाता है, और इसकी एक झलक आपने अक्सर स्कूल के दिनों में चिड़ियाघर में जाकर भी देखी होगी। एक जाबाज योद्धा की तरह ये जानवर भी जब शिकार करने जाता है तो खुद के दम पर पूरे जंगल में खलबली मचा देता है। छोटे मोटे जानवर तो छोड़िए, जाबाज टाइगर की आहट सुनकर ही बड़े से बड़े जानवरों की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। इतिहास के पन्नों को अगर खंगाला जाए तो यकीनन आपको ताकत और बहादुरी के पन्नों पर टाइगर का नाम सबसे ऊपर मिलेगा। इनके जबड़े में इतना दम होता है कि जब किसी शिकार की गर्दन मुंह में आ जाती है तो उसे ऊपर वाले से भी रहम की भीख मांगने का समय नहीं मिलता, और इस खूंखार जानवर की यही स्किल इसे सबसे अलग बनाती है। बता दें कि ज्यादातर रशिया, नॉर्थ कोरिया, चीन और एशिया के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और भारत में वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में आसानी से देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ब्लैक पैंथर की, तो ये कैट फैमिली की सबसे एग्रेसिव जीव में से एक है। इन्हें काला चित के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया की सबसे दुर्लभ स्पीशीज में से एक है। इस खतरनाक जीव को काली रात के साए में अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करने में बहुत मजा आता है। वेल, ऐसे में अगर इस शिकारी जानवर को रात का राजा कहना कहीं से गलत नहीं होगा, जो अपने शरीर को काले रंग का फायदा उठाकर पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और मिनटों में अंधेरों को चीरते हुए बिजली के रफ्तार से भी अपने शिकार पर झपट्टा मारते हैं, तो उस बेचारे के पास सांस लेने का भी वक्त नहीं बचता। ये रेयर प्रजाति अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, और इंडिया में छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा जैसे राज्यों में बहुत देखने को मिलते हैं। ये साइज में लगभग 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, मगर इनकी पूंछ छोटी होने की वजह से इन्हें बिल्ली के परिवार का सबसे छोटा पूंछ वाला जीव भी कहा जाता है। ये वजन में लगभग 100 किलोग्राम से भी अधिक हो सकते हैं, परंतु मादा ब्लैक पैंथर नर के मुकाबले कम भारी होती है, और इसके अलावा इनकी ऊंचाई 63 से 75 सेंटीमीटर के आसपास मापी जाती है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अगर नाम ले जंगल के बादशाह टाइगर की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्ली के परिवार से ताल्लुक रखने वाली ये सबसे प्रजाति सबसे लंबी मानी जाती है। इसकी लंबाई 80 से 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं इनका वजन 90 से 260 किलोग्राम तक होता है। इसके अलावा अगर इनकी शारीरिक बनावट की बात करें, तो ये बात साफ है कि टाइगर ब्लैक पैंथर से आकार में काफी विशालकाय होते हैं, और जब बात एक दूसरे के शरीर की जोर आजमाइश की आएगी तो यकीनन टाइगर ब्लैक पैंथर को उठाकर पटक देगा। मगर ब्लैक पैंथर के शरीर में मेलेनिन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये काले होते हैं, जो इनको देखने में काफी खूंखार बनाता है। दोस्तों टाइगर की तरह इनके शरीर में पैटर्न होते हैं, मगर वो काले रंग के कारण दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि ये पूरी तरह काले नजर आते हैं। इन्हें भी टाइगर की तरह अकेले रहना पसंद है, और अक्सर नदी के किनारे या खुले मैदानी तट पर शिकार की तलाश रहती है। इनका शरीर काफी गठीला होता है और पैर काफी छोटे और मजबूत होते हैं, जिसकी मदद से ये भारी से भारी शिकार को भी पेड़ पर लेकर आसानी से चढ़ सकते हैं। ये 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने शिकार का पीछा करके उसे दबोचने में माहिर हैं, और अपने फुर्तीले स्वभाव के कारण ये पानी में बिल्कुल एक्यूरेट छलांग लगाकर मगरमच्छ तक को पकड़ सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें टाइगर की, तो ये मैदानी इलाके में रहना पसंद करते हैं, जो कि शिकार करने पर किसी भी तरह का संकोच न करके हर जानवर को खाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि इनसे कोई जानवर उलझना पसंद नहीं करता। इनके जबड़ों के अंदर लगभग 4 इंच लंबे मजबूत और धारदार कनाइन टूथ होते हैं, जिस कारण ये किसी भी शिकार को आसानी से 2 टुकड़े में करने में देर नहीं लगाते। अगर इनके पंजों की बात करें, तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो अपने शिकार के किसी भी पार्ट को आसानी से डैमेज कर सकता है। ये स्पीड के मामले में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं, जो एक ब्लैक पैंथर के मुकाबले काफी कम है। बाघ की रफ्तार ही उसे उसके शिकार के दिल में दहशत फैला देती है, लेकिन जब उसका सामना ब्लैक पैंथर से होगा तो बाघ का उससे अपना जी चुराना काफी मुश्किल साबित होगा। बात अगर इन दोनों के बाइट फोर्स की करी जाए, तो ब्लैक पैंथर इसमें थोड़ा सा आगे है, जहां वो 1100 PSI की फोर्स से अपने शिकार के पर खच्चे उड़ा देता है। वहीं टाइगर ये कारनामा 900 से 1000 PSI के फोर्स से करता है। वहीं अगर इनकी हंटिंग स्किल पर नजर डाली जाए, तो टाइगर जब कभी शिकार करते हैं तो उनके 5.6 सेंटीमीटर लंबे नुकीले दांत शिकार के शरीर के आर पार करने के लिए काफी होते हैं। ये अपने मस्कुलर बॉडी, नुकीले पंजों की बदौलत किसी भी जानवर को मिनटों में चीर कर 2 हिस्सों में अलग
तक कर सकते हैं। हालांकि ये ज्यादातर रात में शिकार करना पसंद करते हैं, मगर जब बात भूख की आती है तो जरूरत पड़ने पर दिन में भी इन्हें शिकार करने में कोई परहेज नहीं होता। इनके शिकार करने का अंदाज काफी बेहतरीन होता है, जो किसी डिटेक्टिव मूवी की तरह देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शातिर शिकारी अपने किसी भी शिकार पर हमला करने से पहले उस पर घंटे भर नजर रखते हैं और फिर अंत में मौका पाकर उसकी गर्दन को अपने नुकीले दांतों के बीच दबोच कर पार्टी करने निकल पड़ते हैं। बात पार्टी की हो रही है तो आपको बता दूं कि इन भाई साहब को जेब्रा, जंगली सांड और सुअर जैसे जीव का मांस खाना बेहद पसंद है। वहीं ब्लैक पैंथर इस मामले में थोड़ा अलग है। ये ज्यादातर एग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, जो गुस्सा होने पर अपनी मजबूत बाइट फोर्स से शिकार की खोपड़ी हड्डियां तोड़ डालते हैं। आमतौर पर ये ब्लैक पैंथर अक्सर काली घनी रात पर ही अपने शिकार की तलाश करते हैं और बिना किसी आहट के कब उसके बगल में आकर खड़े हो जाते हैं उसे भी इसका पता नहीं चलता और शिकार को संभलने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता और फिर उसकी गर्दन पर अपने एक ही बार में उसका काम तमाम कर देते हैं। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इनके हंटिंग स्किल की एक और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बड़ी आसानी से छलांग लगाकर चढ़ जाते हैं और किसी स्नाइपर की तरह तब तक वहां पर बैठकर इंतजार करते हैं जब तक उनका शिकार पेड़ के नीचे आराम नहीं फरमा रहा होता। और जैसे ही कोई जानवर उसे पेड़ के नीचे से गुजरता दिखता है, ये चालाक शिकारी उसे अपना डिनर बना लेता है। ये ज्यादातर शिकार में अक्सर छोटे जानवरों को ही मारकर अपना गुजारा कर लेते हैं, हालांकि जरूरत पड़ने पर ये कुछ बड़े जीव का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों अब अगर बात इन दोनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव की जाए तो हमारे मुताबिक जब कैट फैमिली की ये दोनों खुखार शिकारी जंगल में एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो इस मामले में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच आखिर जंग किस समय हो रही है। जी हाँ, अगर ये युद्ध रात में हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि ब्लैक पैंथर बाघ पर भारी पड़ जाए, लेकिन अगर दिन का समय होगा तो ब्लैक पैंथर को बाघ से बचने में अपनी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि टाइगर को कैट फैमिली का सबसे इंटेलिजेंट जीव माना जाता है, जो अपने सारे शिकार काफी बुद्धिमानी से करता है। भले ही ब्लैक पैंथर के पास ज्यादा PSI फोर्स का एडवांटेज हो, मगर ये इसकी जीत के लिए काफी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर के पंजे ब्लैक पैंथर के पंजों के मुकाबले काफी स्ट्रांग और नुकीले हैं, जो ब्लैक पैंथर के शरीर के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी हैं। वहीं टाइगर को भारी वजन, फाइटिंग स्किल और बड़े शिकार करने की कला इसे ब्लैक पैंथर से काफी खतरनाक और वाकई में उसे जंगल का बादशाह बनाती है। हालांकि अगर ये लड़ाई रात में होगी तो हो सकता है कि ब्लैक पैंथर अपने काले रंग का थोड़ा सा एडवांटेज ले ले, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, अगर बाघ के मजबूत पंजों के बीच में ब्लैक पैंथर की एक भी नब्ज लग गई तो समझिए उसका राम राम सत्य होने से कोई नहीं रोक सकता। वेल, ये तो हमारी खुद की राय है, वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।